ജയരാജ് അണ്ടേട്ടനാണ് മിസൈല് फ्रेंड्स, आज अयप्पा का लास्ट डे है तो मैं आज आई हूँ दर्शन करने के लिए। तो देखिए कितना सुंदर सजाया है, अभी इनकी पालकी निकलेगी। बहुत खूबसूरत सजाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया दिन नए ब्लॉग के साथ। तो आज सांभर और इडली चटनी बनाने का है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं सांभर कैसे बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पानी उबालने रख दिया है हांडी में, तो उबालने रख, चलो दिखाती हूँ मैं आगे का। पानी में हल्दी डाल दिया है और अभी पानी को बॉयल आने के बाद में तुअर की दाल मैंने भिगा दिया है, तो उसको धो के बस इसमें डालना है, एक बार बॉईल हो जाए पानी। और ये मैंने इडली के लिए भी पानी रख दिया है स्ट्रेन करने के लिए। तो मैं, चलो मैं दाल धो के इसमें डालते हुए बताती हूँ फिर आपको। तुअर की दाल को मैंने भिगा दिया था, एकदम मस्त ऐसे टूट रही है। इसी में ही मैंने टमाटर डाल दिया है बॉयल करने के लिए, तो अभी इसको डाल देते हैं। दाल मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, तेल डाला है इसमें, बस इसको मिक्स करके अभी इसको दाल को अच्छे से पकने देते हैं, तो बढ़िया सी सीज जाए। फिर हम बाकी का ये सब काट के रखा है मैंने, सिंगापली है और ये आलू है और ये पम्पकिन बोपला बैंगन है, एक दो तीन मैंने फ्रेंच बीन डाल दिया है, बस ये सब वेजिटेबल्स है। तो मेरे पास ये मैंने, आप सब कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं आपकी जो इच्छा है ना। सांभर पाउडर बनाने के लिए चाहिए सूखी मिर्ची 4-5 है, अखा धनिया, मेथी दाना और चने की दाल, वाइट उड़द दाल, राई, ज़ीरा और नारियल लगेगा। सूखा होगा तो सूखा डालिए, गीला हो तो गीला डालिए। तो जैसे जैसे मैं बताऊँगी मैं आपको प्रोसेस बताती जाऊँगी, जब तक मैं इडली को इसमें डाल देती हूँ उबालने के लिए। पानी भी इसका भी गर्म हो गया है, तो ये दोनों जब तक पकते हैं तो मैं बाकी का आपको बताती रहती हूँ। इडली को जो प्लेट है ना, उसमें तेल घी आपके हिसाब से आप जो भी, इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्रीस कर देना है, इसको लगा देना है और फिर इडली का बैटर डाल देना है। एक 10-15 मिनट तक इसको स्टीम करना है। नीचे मैंने पानी डाल दिया है, अच्छे से बॉयल हो गया है वो, फिर बस अब इसको स्टीम करना है। सांभर पाउडर बनाएंगे, तो सांभर पाउडर का तो आपको मैंने बता ही दिया, तो अभी अपन इनको सेक लेंगे, इनको तवे पे रख के थोड़ा थोड़ा कम आंच ही रखना है। तो पहले चने की दाल और उड़द की दाल डाल देंगे,
आपके पास सांभर पाउडर है तो सांभर पाउडर भी डाल सकते हैं, और किसी के यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे भी घर में जो भी ये सब सामान रहता है ना उसे भी बना सकते हैं, बना के आप डब्बे में भर के रख सकते हैं, खराब नहीं होता है ये। इडली चेक कर लेते हैं, एक चक्कू ले लेने का ऐसे उसको से देखने का, कुछ नहीं है ना, इसका मतलब हमारी इडली तैयार है। यदि इसमें लग के आएगा तो मतलब हमारी इडली तैयार नहीं है, तो अपनी इडली एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो गई है। यदि ऐसे लग के आएगा ना तो वापस से सीझा लेने का, लेकिन नहीं लग रहा है, इडली तैयार है। जब तक हमारा सांभर भी दाल भी चेक कर लेते, हाँ लगभग दाल भी गल गई है अच्छी तरह से। अभी इसी स्टेज पे हम सब वेजिटेबल्स डाल देंगे। वो तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और इमली डाल दिया है, खट्टा आप अपने हिसाब से डाल देना, तो इसमें अच्छे से गल जाएगी ना तो अच्छा टेस्ट आएगा। और जो वेजिटेबल अपने हिसाब से आपको जो भी पसंद हो, अभी इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसको, अच्छे से बॉयल हो जाएगा ये। पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर वो ज़्यादा गल जाते थे ना, ये तो क्या जल्दी हो जाएंगे। इनको ठंडा कर लेते हैं, अभी इडली बन गई है बढ़िया सी, हम इनको ठंडा कर लेंगे। फिर ठंडा करके उसको निकाल के अलग से फिर दूसरा बैच डाल देंगे, जब तक हमारी दाल रेडी हो जाएगी फिर तड़का बनाते हैं। अभी इडली इसमें डाल देंगे, देखिए ये कितनी क्यूट है ना छोटी सी। ओके कितनी मस्त बनी है, जो मैंने उस दिन बताया था ना आपको इडली का, ये मेरी खा इस इडली के लिए लेके आई हूँ। तेल घी जो भी आपको लगाना है वो लगा लीजिएगा। तो तेल लगाने से क्या है ना अच्छे से वो निकल जाता है। ये मेरी बहन एक रत्नागिरी में रहती है, ये मुझे उससे दिया है। हम 6 भाई बहन है, सबसे बड़ा भाई, फिर सेकंड नंबर पे मैं, फिर मेरी बहन रत्नागिरी में रहती है संतोषी, फिर थर्ड नंबर की बहन जयपुर में रहती है गीता, फोर्थ नंबर की बहन ऐरोली में रहती है, वो टीचर है, उसका निर्मला नाम है, और सबसे छोटा भाई विजय। हम 6 भाई बहन हैं, 2 भाई 4 बहन, सबसे मिलाऊंगी मैं आपको ज़रूर। एकदम अच्छे से उबल गई है, एकदम बढ़िया, देख लीजिए। अभी इसको रई से ऐसे थोड़ा घोट लेते हैं और फिर बघार करके चटनी बनाते हैं, तैयार हमारा इडली चटनी सांभर। फ्रेंड्स गीला नारियल लिया है और उसमें 6-7 कली मैंने लहसुन का डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं वो डाल रही हूँ अदरक। अब इसको थोड़ा सेक लेंगे, वो ज़्यादा नहीं, बस ऐसे हल्का हल्का सेकना है, और फिर इसको पीस के सांभर में डाल देंगे। और वो जो पाउडर मैंने बताया था ना आपको सूखा मसाले का, उसको भी पीस के जितना हमें लगेगा उतना वो उसमें, वो भी उसमें डाल देंगे। लाल मिर्ची डाला है ना इसे, दो हरी मिर्ची डालेंगे, बाकी का चटनी पे डालेंगे बस। अब इसको ठंडा करके पीस लेना है इस, और पहले ये पाउडर जो हम लोग ने सेका है ना, पहले मैं इसको सूखा पीस लेती हूँ, जितना लगेगा उतना डालूंगी, फिर थोड़ा रख दूंगी बाद में भी काम आ जाएगा, पहले इसको सूखा ड्राई कर लेना है। पाउडर पीस लिया है ना, अभी हमें जितना लगेगा हम 2-3 चम्मच जो भी अपने को लगेगा उतने अपने टेस्ट से, लेकिन इसको थोड़े अच्छे से डालना ही, तो इसकी खुशबू आएगी सांभर की, है ना। और जो नारियल हमने सेका है ना अभी इसमें,
और वो भी मैंने पीस लिया है। तो सांभर पाउडर डाल देंगे 2 चम्मच। दाल को मैंने थोड़ा सा घोट लिया है। और ये भी इसमें डाल देंगे पिसा हुआ। पतला और जाड़ा आपके हिसाब से आप रख लेना। थोड़ा सा इसमें गुड़ डालेंगे, मीठा आप अपने हिसाब से डाल लेना, हमको थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा लगता है। थोड़ा मीठा अच्छा लगता है हमको थोड़ा सांभर। तो ये सांभर अभी नमक डाल देंगे टेस्ट से। बॉईल ले लेते हैं अभी इसको, तड़का लेंगे एक बॉईल लेके। इसे हिलाना है हाथ से, थिकनेस आप अपने हिसाब से रख लेना। तेल मैंने गरम रख दिया है तड़के के लिए। चटनी को मैं नहीं दे रही हूँ तड़का, क्योंकि उस दिन तड़का वाला खाया था ना, आज हम सादा की क्या सांभर है ना, तड़के के लिए तड़का वाला सांभर है, तो आज हम उसमें उसको तड़का नहीं देंगे। चने की दाल और उड़द की दाल लिया है थोड़ा थोड़ा फ्राई, थोड़ा सा राई जीरा, हींग, कड़ी पत्ता और सूखी मिर्ची है, कश्मीरी मिर्ची है, थोड़ा सा कलर के लिए डालेंगे तड़के में। बस अब ये तड़का इसमें डाल देंगे। सांभर तैयार है, बस अभी हरा धनिया डाल के, तो आप जरूर ट्राई करिएगा। मेहनत थोड़ा है इसमें, टाइम प्रोसेस लेता है ये। बन गई फ्रेंड्स इडली, सांभर और चटनी। चटनी उसे मैंने आपको बताया था, बस वैसे बनाना है, बहुत अच्छा बना है, वो टेस्टी बना है। ये देख लीजिए, आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। एकदम सॉफ्ट बनी है, स्पॉन्जी। ठीक है, जरूर ट्राई करिएगा। चलिए आप लोग भी खा लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं यहाँ ही एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना, ताकि नोटिफिकेशन जरूर मिले। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना नए हो तो मेरे चैनल में। तो चलिए, टेक केयर, बाय।